मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में माता बाग मंदिर समिति कुरवाई द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां 51 शक्ति पीठों से पावन ज्योति लाकर भक्ति की ज्योतियां प्रज्वलित की जा रही है। इस बार समिति द्वारा मां ज्वाला देवी, मां चिंतपूर्णी, मां कांगड़ा देवी, मां नैना देवी हिमाचल प्रदेश से ज्योति लाने का संकल्प लेकर समिति के सदस्य स्पेशल ट्रेवल से रवाना हो गए हैं। समिति सदस्य वृंदावन अमृतसर से होकर ज्योति लेकर दिनांक 28/9/2019 को कुरवाई में प्रवेश करेंगे। समस्त यात्रियों का पुष्पहार से स्वागत पूर्व विधायक द्वारा किया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। भारत में और भारत के बाहर 51 शक्तिपीठ हैं जो माँ भगवती के सिद्ध स्थान है। माता बाग मंदिर समिति का प्रयास रहता है कि उन्हीं 51 शक्तिपीठों से माँ की दिव्य ज्योतियों को प्रतिवर्ष लाया जाए। इस वर्ष माता बाग मंदिर द्वारा 51 शक्तिपीठों में से ज्वाला देवी, नैना देवी, कांगड़ा देवी और चिंतपूर्णी इनकी दिव्य ज्योति को लाने के लिए माता बाग मंदिर समिति सदस्य आज कुरवाई से ज्वाला देवी को प्रस्थान कर रहे हैं। ये यहाँ से जाएंगे वृंदावन, वृंदावन से अमृतसर, अमृतसर से कांगड़ा, कांगड़ा से नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी और वहाँ भगवती की ज्वाला को लेकर के आएंगे और उस ज्वाला से कुरवाई नगर में करीब 350 से 400 की लंबी ज्योतियाँ जलती हैं। उसी माँ की पावन ज्योति से ज्योति जलेंगी और 28 तारीख को सुबह 9 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। माँ की बहुत भीड़ होगी और इसके बाद ये माँ मंदिर में आके स्थापित हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।